क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल पी और पार्टिकल क्यू में हेड ऑन कोलिजन होता है। दोनों पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। तो अगर ई की वैल्यू 0.8 के इक्वल है तो पार्टिकल क्यू की फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो पहले हम इस वीटी ग्राफ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये पार्टिकल पी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये जो है ये पार्टिकल क्यू का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो हम देख सकते हैं कि टी इक्वल टू 1 मिली सेकेंड तक दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट थी। पार्टिकल पी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के इक्वल थी और पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल थी। लेकिन टी इक्वल टू 1 मिली सेकेंड से लेकर टी इक्वल टू 4 मिली सेकेंड तक दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज करती है। तो यह कन्फर्म है कि इस टाइम इंटरवल के लिए दोनों पार्टिकल एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहते हैं एंड दिस टाइम इंटरवल इज कॉल्ड टाइम ऑफ कोलिजन, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा टी टाइम ऑफ कोलिजन 4 माइनस 1 दैट इज 3 मिली सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। अगेन कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी भी के इक्वल हो जाती है और पार्टिकल पी की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल हो जाती है। तो हमें भी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि पार्टिकल पी पीछे होगा और पार्टिकल क्यू आगे होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग मूव कर रहे हैं। चूँकि पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी पार्टिकल पी से कम है तो कन्फर्म है कि पार्टिकल क्यू आगे होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, और पार्टिकल पी पीछे होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड के इक्वल है, ठीक है। तभी दोनों में कोलिजन पॉसिबल होगा, ठीक है। अगेन हम देख सकते हैं कि कोलिजन के बाद पार्टिकल पी की वेलोसिटी -5 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, मतलब पार्टिकल पी की वेलोसिटी इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल हो जाती है, ठीक है। अगेन पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी पॉजिटिव है और वो भी के इक्वल है, ठीक है। नाउ वी हैव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इम्प्लाई दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज 5 प्लस बी इक्वल टू ई दैट इज 0.8 इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 20 माइनस 5 दैट इज 15 के इक्वल है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट 5 प्लस वी इज इक्वल टू 0.8 इंटू 15 दिस इक्वल टू 12। सो दिस इम्प्लाई दैट वी इक्वल टू 12 माइनस 5 दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो गया, ठीक है। तो कोलिजन के बाद पार्टिकल क्यू की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 7 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।